जिले में कोरोना को लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की सेवा और मरीजों के धैर्य के बाद आज दरभंगा में कोरोना के पहले पॉजिटिव व्यक्ति और उनके ही परिवार की एक महिला ने कोरोना की जंग में सफलता प्राप्त की है। DMCH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती इन दोनों मरीजों को स्वस्थ होने के बाद इन्हें शहर के भगवान दास मोहल्ले में स्थित इनके घर भेज दिया गया, जहां ये होम क्वारंटीन में रहेंगे। इनके स्वस्थ होने पर अस्पताल के कर्मियों ने ताली बजाकर इनका स्वागत किया, साथ ही लोगों से अपील किया कि बीमार से नहीं बीमारी से बचें, उससे दूर रहें और इनका सम्मान करें। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, ये दो पेशेंट को जो अभी रिलीज किया जा रहा है, इसका रिजल्ट कैसा आया, इस बारे में क्या कहना है? हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं नईम जी को भी, जो इन्होंने डॉक्टरों कर्मचारियों सभी के नियमों का पालन करते हुए आज पॉजिटिव मरीज से होते हुए नेगेटिव मरीज हुए हैं। और हम लोग समाज को भी यही कहना चाहेंगे कि जो नियम है, दूरी बना के रखे, हाथ को स्वच्छ करके रखे, और जिनको कोरोना है उनसे घृणा नहीं करे, उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक मरीजों से, बीमारी से नफरत करे, बीमारों से नहीं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, ये बताइए मुझे, ये जो दो पेशेंट हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये भगवान दास मोहल्ला के रहने भगवान वाले हैं। पहला कोरोना पॉजिटिव यही, पहला कोरोना पॉजिटिव यही है। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है दरभंगा में आए और स्वकुशल स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहे हैं। सर, अपना परिचय? संतोष कुमार उर्फ गुड्डू पासवान, DMCH। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, जो दरभंगा में पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था वो आज यहाँ से निगेटिव उसका रिजल्ट आ गया है, इस संदर्भ में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात है कि सावधानी ज़रूरत है जी। जिस तरह से नईम जी ने अपना धैर्य और साहस के साथ और जो भी गाइडलाइन है उसका फॉलो किए हैं, ये वास्तव में एक संदेश का चीज़ है। जो भी घबराने का चीज़ नहीं, जो भी पॉजिटिव मरीज होते हैं इनसे एक सीख ले सकते हैं, जो इनका दो दो बार निगेटिव पॉजिटिव आने के बाद फिर निगेटिव होकर के ये जंग जीत करके जा रहे हैं, जबकि इनको और भी कॉम्प्लिकेशंस था, कुछ दूसरी सर्जरी सब भी हुआ था, फिर भी इतना धैर्य से ये रहे हैं और डॉक्टर पैरामेडिकल सबको सपोर्ट किए हैं, इसे इन्होंने जीता है। यही संदेश देंगे जो लोग, जो गाइडलाइन है की सफाई करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इसको पालन करते हुए इस जंग को आराम से जीता जा सकता है। सर, घबराने की चीज़ नहीं। सर, अब इन दोनों को तो किसी तरह की कोई खतरा की बात कोई खतरा की बात, लेकिन फिर भी अभी तो ये जो जनरल सुरक्षा का उपाय है वो तो करते ही रहेंगे। सर जी, मैम क्या कहना चाहेंगे लोगों के बारे में कि ये लोग कोरोना से अभी मुक्त हो गए हैं? हम लोग बहुत अपने में खुशी महसूस कर रहे हैं कि मेरे वार्ड से पेशेंट ठीक होकर के जा रहे हैं। अपना परिचय? क्रांति गुप्ता, सिस्टर इंचार्ज। बहुत शुक्रिया। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं बढ़िया ढंग से ड्यूटी करें, अपने ड्यूटी को निभाएं, और जिस काम के लिए लगाया गया है उसको, उसकी देखरेख बढ़िया ढंग से करें। और आज अभी जो दो मरीज यहाँ से निगेटिव होकर निकला है, मुझे और हमारे पदाधिकारी और जो भी पुलिस पदाधिकारी, जो भी यहाँ और पदाधिकारी हैं, वे सब बहुत खुश हैं। उनमें इतनी खुशी है कि क्या इसके बारे में विशेष बताया जाए, क्योंकि ये पहला मरीज इस दरभंगा ज़िला में आया था जी। और दरभंगा ज़िला में आने के बाद लोगों में इस तरह का एक माहौल बन गया था कि न जाने अब कैसा स्थिति बनी हुई रहेगी, लेकिन आज इस मरीज को यहाँ से निगेटिव सर्टिफिकेट दे के विदा किया गया है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ के पदाधिकारी हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं और लोगों को भी देख रहे हैं, जागरूक किस तरीके से करेंगे आप बताएं? यहाँ दो तरह के मरीज आते हैं, कोरोना से तो पॉजिटिव और निगेटिव दो मरीज आते हैं जी। तो यहाँ से जो भी आए हैं, बहुत ऐसे मरीज हैं जो यहाँ पर पॉजिटिव थे और निगेटिव बन के जा रहे हैं, गए हैं। आज ये जो पहला मरीज निकला है, ये पहला मरीज वास्तव में बहुत सेंसिटिव थे और वो लंबी जिसमें मैंने निगेटिव हो जाने के बाद भी पॉजिटिव हो गए। अच्छा। और इसके बाद फिर निगेटिव हुए जी। और दो दो बार संपर्क रिपोर्ट आ जाने के बाद तब आज यहाँ से मुक्ति दिया गया, मुक्त किया गया।